अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। और हमारे पास क्लासिफिकेशन में एक जो सिस्टम हम पढ़ेंगे ये है अरमन तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपके सिलेबस में है और आपको आपने इसको प्रिपेयर भी करना है। तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो तख्ताजान जो है एक रशियन जो है टेक्सोनोमिस्ट हैं, क्लासिफिकेशन जो करते हैं। अब उसका जो फील्ड ऑफ स्टडी था वो फाइटोजियोग्राफी, मतलब फाइटो मीन्स प्लांट्स, जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स को के बारे में। और उसके बाद क्या है कि ओरिजिन ऑफ फाइलोजेनी, प्लांट्स की एवोल्यूशन जो है, फाइलोजेनी कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स को। और ही डिवेल्प्ड अ सिस्टम जो है फाइलोजेनेटिक डायग्राम्स ऑफ द ऑर्डर्स, ठीक है, फाइलोजेनेटिक ऑर्डर जो प्लांट्स के हैं उसको, फाइलोजेनेटिक का मतलब है एवोल्यूशन के लिहाज से, इर्तका के लिहाज से उसकी एक डायग्राम बनाई। अब इसका फाइटोजियोग्राफी इसका जो है फील्ड ऑफ स्टडी है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम उसने जो है फाइलोजेनेटिक डायग्राम ऑफ ऑर्डर्स बनाई प्लांट्स की और उसको प्रेजेंट किया कब, 1942 के अंदर। उसके बाद जो है उसने स्ट्रक्चरल जो है इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ गाइनेशियम, गाइनेशियम तो आप जानते हैं ना, फ्लावर के अंदर गाइनेशियम होता है। एंड प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन स्टूडेंट्स कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अब बेसिकली प्लेसेंटा क्या है कि ऐसा टिश्यू जिसके ऊपर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं ओवरी के अंदर, और एंड द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन। द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, अब इसका तख्ताजान का जो सिस्टम है ये फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर है, एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के ऊपर है, इर्तका के लिहाज से इसने बनाया है। और जो कि पब्लिश किया गया 1954 के अंदर रशियन लैंग्वेज में, और उसके बाद जो है उसको ट्रांसलेट किया गया 1958 के अंदर। फिर जो है उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के ऊपर उसने काम किया, और वो जो है उसका एलेबोरेट सिस्टम इन डी एवोल्यूशन डर एंजियोस्पर्मन जो है के नाम से जो है, एंड प्रपोज्ड अ सिस्टम इन सिस्टमा एट फाइलोजेनिया, ये नाम है जो कि जिस नाम से उसने उसको पब्लिश किया था, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली मेजर डिवीजन्स, फिर इसी की क्लासिफिकेशंस की जो है बाद में रिवीजन्स की गई, जो कि तख्ताजान के सिस्टम की क्लासिफिकेशन की रिवीजन्स की गई 1980 में, 1987 में और 1997 में। अच्छा, अब हमने इसका कुछ बेसिकली ये बात की है स्टूडेंट्स के, एक तो इसने जो क्लासिफिकेशंस बनाई हैं उसको नाम कौन से, वो रशियन लैंग्वेज है ना, रशियन लैंग्वेज के हिसाब से उसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद हमने फाइलो जेनेटिक के बारे में बार बार पढ़ा है कि एवोल्यूशन के लिहाज से इसने इर्तका के, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, जब हम क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली हम क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं ना, रिलेशनशिप्स की बुनियाद के ऊपर, साइटोलॉजी के ऊपर। तो इसका जो क्लासिफिकेशन था, जो एक तरीक़ाकार था, वो बेस्ड कर रहा है किसके ऊपर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। फिर क्या है कि ही क्लासीफाइज एंजियोस्पर्म, अब जो इसने एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन की है वो अप टू फैमिली लेवल की है। और ही बिलीव्ड के एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनका क्या है, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है, कि एंजियोस्पर्म्स जो इवॉल्व हुए हैं, इनकी एवोल्यूशन हुई है वो एक ही पौधे से हुई है, एक ही ओरिजिन है इसका। जब एक ही ओरिजिन होता है उसको मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कहते हैं। और ये जो हैं सीड फर्न से जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है, और सीड फर्न से जो है एंजियोस्पर्म्स आए हैं। और इसने जो है एक डिवीजन है मैग्नोलियोफाइटा, जिसको दो क्लासेस में आगे तकसीम कर दिया, मैग्नोलियोप्सिडा और लीलियोप्सिडा के अंदर। और उसने कहा कि मैग्नोलियोप्सिडा जो है वो प्रिमिटिव है, लीलियोप्सिडा एडवांस है। उसके बाद नंबर्स जो हैं उसने ऑर्डर्स और फैमिलीज़ के बताए हुए हैं, ये आपने नंबर्स देख लेने हैं। बेसिकली आई थिंक आपको इस टॉपिक का जो है वो आइडिया हो गया होगा फाइटोजियोग्राफी के बारे में,
और उसकी जो सिस्टम जो है, जो उसने क्लासिफिकेशन किया रशियन लैंग्वेज में, उसके बाद उसकी रिविजन्स की गई हैं क्लासिफिकेशन की, एंड देन जो है एंजियोस्पर्म्स को उसने कहा मोनोफाइलेटिक क्लासिफिकेशन है और सीड फॉर्म से आए हैं, और उसके बाद उसने मैग्नोलियोफाइटा को दो आगे क्लासेस के अंदर तकसीम कर दिया है, मैग्नोलियोप्सीडा के अंदर और लीलियोप्सीडा के अंदर। ठीक है, अब जो है हमारे पास है द आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय तख्ताजान इज़ एस अंडर। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि उसने, हमने जो अभी पढ़ा है डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा जो कि एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस उसने बनाई थी, मैग्नोलियोप्सीडा और लीलियोप्सीडा, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब बेसिकली आप याद कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप इसका कोई कीवर्ड बना लें जिसके हिसाब से आप इसके जो हैं सब क्लासेस जो हैं मैग्नोलियोप्सीडा के अंदर जो क्लासेस आ रही हैं उनके नाम याद कर लें। जैसे अभी हमें जो नज़र आ रहा है मैग्नोलीडी, मैग्नोलीडी, और फिर उसके बाद क्या है निम्फाइडी है और नीलम्बनीडी, और फिर जो है रोज, इसके अंदर हमारे पास आ जाती है रेनन्क्यूलेसी है, क्रायोफिलेडी है, हेमिलिडी है, ठीक है, डेलिनिडी है और रोजीडी है, कॉर्निडी है, एस्टरिडी है, लेमिडी है। ठीक है, तो अब ये जो हैं इसकी सब क्लासेस हैं जो कि मैग्नोलियोप्सीडा के अंदर आ रही हैं सब क्लासेस। आप इसमें सुपर ऑर्डर्स तो जो दिए गए हैं उसमें एक एक ऑर्डर जो है वो इसके क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो हमने सब क्लासेस मैग्नोलियोप्सीडा के अंदर पढ़ी हैं वो कितनी हैं, 11 क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, और कीवर्ड मैंने आपको दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है। अब जो है लीलियोप्सीडा क्लास जो है ये इसमें मोनोकॉर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे हमने कहा था ना मैग्नोलियोफाइटा को उसने डिवीजन को कितने में तकसीम कर दिया, दो क्लासेस के अंदर, मैग्नोलियोप्सीडा और लीलियोप्सीडा। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसमें भी हमने इसको याद करने का एक तरीका है, सब क्लासेस जो हैं लेमिडी हैं, ठीक है, कॉमलिनिडी हैं, ठीक है, और उसके बाद एरिसिडी है, ठीक है, ए से एरिसिडी आ जाएगा, और उसके बाद जो है एलिसमेटिडी है, ठीक है, ट्राई यूरिडी है, एरिडी है। ठीक है, ये इसकी छः क्लासेस हैं, और छः क्लासेस में आप कोई भी इन सब का जो है एक एक ऑर्डर याद कर सकते हैं। तो ये इसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तख्ताजान का। अब तख्ताजान ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपना डिवाइस किया है स्टूडेंट्स, आपको जो है वो समझ आ रही होगी कि इसमें जो है मैग्नोलियोफाइटा को उसने दो क्लासेस में तकसीम किया, और दो क्लासेस की आगे सब क्लासेस कौन सी हैं, सुपर ऑर्डर्स में हैं, लेकिन सब सुपर ऑर्डर्स हम नहीं कर रहे। बेसिकली आप कोशिश करें अगर आप एक एक नाम इसका याद कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट। और उसके बाद तख्ताजान प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है उसने अपनी क्लासिफिकेशन जो है वो की है। तो पहली चीज़ है ग्रोथ हैबिट। तो ग्रोथ हैबिट क्या है कि एंजियोस्पर्म्स की एवोल्यूशन है ना, तो एवोल्यूशन बिगन्स विद स्मॉल वीकली ब्रांच्ड फॉर्म्स से स्टार्ट होती है, और लार्ज ट्रीज जो हैं वो स्मॉल वुडी ट्रीज से ओरिजिनेट हुए हैं। वुडी प्लांट्स आर प्रिमिटिव, वुड्स जो हैं वुडी प्लांट जो हैं वो पुराने हैं देन हर्बेशियस और डिसीडियस। डिसीडियस वो पौधे जो कि अपने पत्तों को जिनके अंदर लीफ फॉल हो जाता है ऑटम के अंदर, उनको हम डिसीडियस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि वुडी प्लांट जो हैं वो पुराने हैं देन अदर प्लांट्स। लीव्स जो हैं, लीव्स इसके अंदर क्या हैं, पालमेट विनेशन, जैसे आपको नज़र आ रही है ये वाली विनेशन जो है, इसको विनेशन कहते हैं, वेन्स जो प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम, आपने कभी देखा होगा ना कि प्लांट के अंदर जो लाइनें सी होती हैं वेन्स, उनको कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज़ नॉन एज विनेशन। ठीक है, तो पालमेट विनेशन पाम लाइक जो लीफ होता है, ठीक है, इज कंसिडर्ड टू बी इवॉल्व फ्रॉम पिनेट। ठीक है, अब पिनेट आपको जो दिखाई जा रही है ये एक सीधी वेन, ठीक है, उसके बाद आगे जो ब्रांचेज हैं इसको पिनेट विनेशन कहते हैं। अच्छा, कुछ आपने कभी देखा स्टूडेंट्स के ग्रासेस का जो पत्ता है